आचार संहिता में सभी राजनीतिक प्रचार के होर्डिंग बैनर पोस्टर निकाले जा रहे, प्रचार के लिए दीवारों पर लिखे स्लोगन भी मिटाए जा रहे, लेकिन भिलाई में आचार संहिता का पालन कराना निगम कर्मचारियों को भारी पड़ गया। जी हां, भिलाई में प्रशासन के आदेश पर निगम कर्मचारी ओवरब्रिज के पास राजनीतिक प्रचार प्रसार स्लोगन की पुताई कर रहे थे। इसी बीच नगर निगम कर्मचारियों के साथ दो युवकों ने बहस की और कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में भिलाई महापौर नीरज पाल का कहना है कि जिन लोगों ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की है वे भाजपा के लोग थे, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई में बाधा डालकर मारपीट की। भिलाई नगर थाने का मामला है। चूंकि आचार संहिता लगने के पश्चात भिलाई नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, होर्डिंग पोस्टर और जो स्लोगन आदि लगे हैं राजनीतिक स्लोगन, उन सबको मिटाने का काम कर रही है। आज शाम 3:30-4 बजे करीब भिलाई नगर निगम की टीम सेक्टर 7-8 के बीच में जो फ्लाई ओवर है उसमें कुछ पोस्टर और पॉम्पलेट हटा रहे थे और स्लोगन हटा रहे थे। इस बीच कुछ लोग आकर उनके साथ गालीगलौज मारपीट की, उनके शासकीय में बाधा पहुँचाया और इसकी शिकायत जब थाने में आई उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस तरह का काम होगा तो हम लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग शासन का ही काम कर रहे थे, हम लोग किसी पार्टी के विरुद्ध काम नहीं कर रहे थे, आचार संहिता का पालन कर रहे थे जिसमें सारे पार्टियों का बैनर और पोस्टर को मिटाया जाना था, परंतु कुछ लोगों ने जबरदस्ती आके किसी एक पार्टी का साथ देके बोला जा रहा था कि इस तरीके से काम मत करो, एक पार्टी का मिटाओ दूसरे का छोड़ दो। इस कारण जो बहस हुई ये हुआ, इससे सारे निगमकर्मी काम करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत असुरक्षित रहते हैं, सबके सबको एक डर रहता है। तभी दो आदमी आते हैं, ड्रिंक किए हुए थे कार में, और वो लोग आके रुके और गाली देके बोल रहे हैं तुम लोग बीजेपी का ही उड़ा रहे हो, पोत रहे हो, उसको मिटा रहे हो, कांग्रेस का क्यों नहीं मिटा रहे हो। तो हम लोग बोले कांग्रेस का हम लोग मिटा रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी पार्टी का दिख रहा है हम लोग उसको मिटा दे रहे हैं करके और हटा दे रहे हैं बैनर पोस्टर को। तो हम लोग को गाली गलौज करने लगे, नहीं तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, गंदी गंदी गाली दिए। हम लोग भी जोर से बात करने लग गए, हम लोग गाली गलौज उस समय तक नहीं किए थे, वो लोग गाली गलौज करने लग गए, फिर धक्का मुक्की करने लग गए। तो हम लोग बोले भैया आप यहाँ से चल दो, आप लोग सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाल।